देश की सबसे बड़ी जांच एजेंसी सीबीआई में मचे घमासान की। डायरेक्टर और स्पेशल डायरेक्टर एक दूसरे पर घूस के भ्रष्टाचार के आरोप लगा रहे हैं। सरकार को कुछ समझ नहीं आया तो दोनों को छुट्टी पर भेज दिया और जांच की बात कह दी। नागेश्वर राव को अंतरिम डायरेक्टर बना दिया गया है सीबीआई चलाने के लिए, लेकिन विवाद है कि खत्म ही नहीं हो रहा। देखिए ना आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह छुट्टी पर भेजे गए आलोक वर्मा के घर के बाहर चार संदिग्ध लोग पकड़े गए हैं। जी हाँ, चार संदिग्ध लोग। पुलिस ने दोनों चारों लोगों को पकड़ लिया है। दिल्ली में आलोक वर्मा के घर के बाहर चार संदिग्ध जो लोग पकड़े गए हैं, खुद को आईबी का बता रहे हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो का बता रहे हैं। घूस के आरोपों के बाद आलोक वर्मा के घर के बाहर चार लोग पकड़े गए हैं। चारों लोगों ने खुद को आईबी का बताया है। इनके कागजातों की जांच हो रही है, इनके आईडी प्रूफ्स की जांच हो रही है। आलोक वर्मा का घर दो जनपद पर है और इनके घर के सामने 30 जनवरी लेन में वहां सफेद रंग की गाड़ी में सिलेरियों में कुछ लोग आए, उनसे पूछताछ की गई। इन्होंने भागने की कोशिश की, क्योंकि देखिए कल से वहां सुरक्षा बढ़ा दी गई है। भागने की इन लोगों ने कोशिश की, लेकिन इनको पुलिस ने पकड़ लिया और उसके बाद पूछताछ की। जो चार संदिग्ध पकड़े गए हैं, एबीपी न्यूज पर इन तस्वीरों को आप देख रहे हैं। सबसे पहले एबीपी न्यूज के हाथ लगी है ये तस्वीरें और आप देख सकते हैं आलोक वर्मा के घर के बाहर जो चार लोग पकड़े गए जो खुद को आईबी का बता रहे हैं। ये जो नीली शर्ट पहना शख्स है, दरअसल उन जासूसों में से एक बताया जा रहा है। मतलब ये पूरा का पूरा एंगल इतना अजीबोगरीब हो गया है, इतना रहस्यमयी बनता जा रहा है कि आईबी के खुद को बताने वाले लोग आलोक वर्मा के घर के बाहर जासूसी करने आ गए। ये लोग किस चीज की जासूसी कर रहे थे, किसके लिए जासूसी कर रहे थे, जासूसी की खबरें कहां पहुंचाई जा रही थी, सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है, अजीबोगरीब सवाल इन चार जासूसों के पकड़े जाने के बाद खड़े हो गए हैं। तो तस्वीरें आप देख रहे, देखिए एबीपी न्यूज के पास इस पूरे मामले में कुछ एक्सक्लूसिव जानकारियां हैं। एक एक करके हम आपको इन चार लोगों के नाम भी बताएंगे। दो तस्वीरें तो खैर हम आपको दिखा ही रहे हैं, लेकिन एक एक करके अब हम चार लोगों के नाम बताएंगे। इन चारों ने खुद को आईबी का अफसर बताया है। एबीपी न्यूज के पास इन चारों लोगों के नाम भी आ चुके हैं, वो भी हम आपको बताएंगे। धीरज कुमार, प्रशांत कुमार, क्योंकि चार लोग हैं तो दो के नाम हमने आपको बताए, विनीत कुमार और अजय कुमार। धीरज कुमार, अजय कुमार, विनीत कुमार, ये तीन लोग और इसके साथ एक और शख्स। अजीब लगता है सुनकर कि किस तरह का एक कोइंसिडेंट है कि चारों लोगों के जो चार संदिग्ध पकड़े गए हैं उनके नाम के पीछे कुमार है। तो चारों लोग जो है वो एक ही सरनेम के साथ है और खुद को ये सब आईबी से जुड़े हुए बता रहे हैं, आईबी के लोग बता रहे हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर ये वाकई आईबी के लोग हैं, पहले तो इस पर जांच होगी कि ये जो कह रहे हैं सच है भी कि नहीं। अगर ये वाकई आईबी के लोग हैं तो आलोक वर्मा के घर के बाहर ये क्या कर रहे हैं, कहां की इंफॉर्मेशन कहां पहुंचा रहे हैं, किसके कहने पर ये सब कुछ हो रहा है, और अगर ये हो रहा है वाकई अगर ये सच है तो फिर सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है। आईबी जासूसी के लिए लोगों को भेज रही है आलोक वर्मा के घर के बाहर, आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेज दिया गया है। एबीपी न्यूज को चार संदिग्धों के नाम मिल चुके हैं। चारों संदिग्धों के नाम में कुमार है, नाम के बाद कुमार है। धीरज कुमार, अजय कुमार, विनीत कुमार, प्रशांत कुमार। अजीबो गरीब ये पूरा का पूरा मामला है और इस तरह का मामला इससे पहले इस देश में कभी नहीं देखने को मिला कि आलोक वर्मा जो कि सीबीआई के डायरेक्टर है, जिन्हें छुट्टी पर भेज दिया गया कल, आज आईबी के खुद को दावा करने वाले आईबी के चार लोग वहां पहुंच गए। इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि ये चारों आईबी के हैं, ये खुद को आईबी का बता रहे हैं, इसीलिए हम उनको इसी तरीके से आपको बता रहे हैं। तो एबीपी न्यूज के दो रिपोर्टर अजातिका सिंह और वरुण जैन इस समय दो जनपद यानी आलोक वर्मा के घर पर मौजूद हैं। सुबह से वहां से क्या हो रहा है सब कुछ उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया है, देखिए। सुबह तकरीबन 7:30 बजे छुट्टी पर भेजे गए सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के सामने ये सिलेरियो गाड़ी आपको दिखाई देगी। इसमें दो संदिग्ध सवार थे जिनको आलोक वर्मा के पीएसओ अब पूछताछ के लिए घर के अंदर ले गए हैं और शक है कि वो लोग यहाँ नज़र बनाए हुए थे। आलोक वर्मा का घर दो जनपद पर है, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ सड़क के दूसरी तरफ गाड़ी है और इस तरफ जो है आलोक वर्मा का घर है।
है और घर के बाहर यानी कि 30 जनवरी लेन है वहाँ ये सफ़ेद रंग की गाड़ी खड़ी थी और सिलेरियो जिसमें दो संदिग्ध सवार थे और इनसे पूछताछ की गई है। इन्हें पूछा जा रहा है कि इन्होंने ये किस मंशा से यहाँ खड़े थे, क्यों खड़े थे, कब से खड़े थे, क्यों नज़र बनाए हुए थे उनके घर के सामने, और जो तमाम बातें हैं उन्हें खगोलने की कोशिश की जा रही है। और इन्होंने जो है रात को ही भागने की कोशिश करी, अभी तक की जानकारी के मुताबिक बताया जा रहा है कि ये लोग रात से ही यहाँ पर बने हुए थे, नज़र रखे हुए थे। और जो आलोक वर्मा के PSO हैं वो फिलहाल इनसे अंदर पूछताछ कर रहे हैं, साथ ही लोकल पुलिस भी यहाँ पर मौजूद है उनके घर के सामने, और जो ये गाड़ी है ये अभी तक वहीं पर खड़ी है। पूछताछ का दौर लगातार जारी है। इस वक्त मैं आलोक वर्मा के घर के बाहर हूँ। सुबह तकरीबन 7:30 बजे के आसपास जब वो छुट्टी पर भेजे गए हैं डायरेक्टर CBI के, उनके घर के बाहर से संदिग्धों को पकड़ा गया है और फिलहाल जो है सारी मामले में पूछताछ की जा रही है। ये जानने की कोशिश हो रही है कि आखिर क्या मंशा हो सकती थी इसके पीछे, क्यों वो जो संदिग्ध हैं वो क्यों पूरी रात उनके घर के बाहर थे। ऐसा जब मंजर चल रहा है, जब उन्हें छुट्टी पर भेजा गया है, तो संदिग्धों का वहाँ पर मौजूद होना काफ़ी सारे सवाल फिलहाल खड़े कर रहा है। कैमरा पर्सन वरुण के साथ अजातिका सिंह, ABP न्यूज़। हमारे दो सहयोगी लगातार वहां पर दो जनपद जहां की आलोक वर्मा का घर है मौजूद है, वरुण जैन और अजातिका सिंह। सीधे आपको हमारे संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं। वरुण, पहली बात तो ये लोग वाकई IB के हैं कि नहीं है, इस पर खैर जांच होगी और जो जांच होगी उसी के बाद साफ होगा, लेकिन अभी क्योंकि ये खुद को IB का बता रहे हैं, जो ID प्रूफ इनके पास मिले हैं वो भी खुद को IB का ही दिखाते हैं, तो उस लिहाज से ये सवाल कि सिस्टम के अंदर हो क्या रहा है। CBI के डायरेक्टर को छुट्टी पर भेजा जाता है, खुद को IB के बताने वाले चार लोग वहां जासूसी के लिए पहुंच जाते हैं, हो क्या रहा है सिस्टम के अंदर। देखिए बिल्कुल क्या हो रहा है ये अपने आप में सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है, क्योंकि अगर ये जो चारों लोग अपनी जो आइडेंटिटी बता रहे हैं ये IB के हैं, इन्होंने अपने आई कार्ड भी दिखाए हैं, पुलिस ने इनके पास से मोबाइल भी सीज़ किया, अगर इनकी आइडेंटिटी सही है जिसको पुलिस वेरीफाई कर रही है, तो अपने आप में सरकार के ऊपर सवाल खड़ा होता है कि क्या सरकार अब जो आलोक वर्मा है उनकी जासूसी करा रही है। ये अपने आप में सबसे बड़ी बात है। कल ही उनको फोर्स लीव पर भेज दिया गया था, खींचातानी चल रही है, घूसखोरी के आरोप लगे हैं, FIR हो चुकी है, विवादों में CBI पूरी तरीके से आ गई है, और उसके बाद सरकार पर सवाल उठ रहे थे, और अब इस तरीके से आज सुबह आलोक वर्मा के घर के पास से चार संदिग्धों का मिलना, और उन चार संदिग्धों का यह कहना कि वो IB के लोग हैं, वो सरकार और उसकी मंशा पर सवाल खड़े करते हैं कि इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार जो है वो जासूसी करा रही है। दिल्ली पुलिस के अधिकारियों से हमारी बात हुई है, उनका कहना है कि अभी उनकी जो आइडेंटिटी है जो वो दावा कर रहे हैं उसको क्रॉस वेरीफाई कर रहे हैं कि क्या वाकई में वो IB के लोग है या नहीं, और अगर नहीं भी है तो फिर आखिरकार ये कौन चार लोग हैं, कहां से आए थे, क्या इनका मकसद था, क्यों यहां पर खड़े हुए थे, क्योंकि बता दूं ये जो दोनों गाड़ियां हैं वो सूत्र बताते हैं रात भर से यहां पर खड़ी थी। अच्छा। जो सिलेरियो गाड़ी है वो भी रात को यहां पर थी और ऑल्टो गाड़ी भी यहीं पर रात भर खड़ी रही थी, इसीलिए इन गाड़ी के ऊपर जो संदेह था वो पैदा हुआ। अजातिका से बात करते हैं, अजातिका की आखिरकार, ठीक है मैं आऊंगी अजातिका के पास आऊंगी। वरुण आप लगातार हमारे साथ बने रहे। दरअसल पूरा मामला CBI मुख्यालय से ही शुरू हुआ था और CBI पर लगातार ओम प्रकाश तिवारी हमारे संवाददाता जो कि नजर रख रहे हैं उनसे भी जानना बहुत जरूरी हो जाता है। ओम प्रकाश, यही सवाल अभी हम उठा रहे थे कि सिस्टम के अंदर चल क्या रहा है, कि वाकई अगर आलोक वर्मा के घर के बाहर ये जो चार संदिग्ध पकड़े गए हैं ये IB खुद को IB का बता रहे हैं, अगर ये IB के हैं तो CBI IB के बीच ये कौन करवा रहा है जासूसी, किसके कहने पर हो रही है, बड़े अजीब से सवाल खड़े हो गए। तो कुमकुम, सबसे पहले तो मैं आपको आधिकारिक तौर पर बता दूं, जो पुलिस के आला अधिकारियों से मेरी बात हुई है जिसमें पुलिस कमिश्नर ने साफ किया है, अमूल्य कुमार पटनायक ने साफ तौर पर कहा है कि अभी इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि ये लोग इंटेलिजेंस ब्यूरो के लोग हैं। पॉइंट नंबर एक, इन दोनों से थाने के अंदर इंटरोगेशन चल रहा है और इनके बारे में जो भी सूचना दी गई है वो पूर्व डायरेक्टर आलोक वर्मा के जो PSOs हैं उन्होंने दी है। तो दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है, इस बात की भी जांच चली है कि क्या ये लोग घर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, तो अभी तक की जांच के दौरान पता लगा है कि ये लोग घर में घुसने की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। तो सवाल इस बात पर भी उठ रहा है कि आखिर आलोक वर्मा के PSO ने सड़क पर चल रहे लोगों को क्यों अपनी हिरासत में लिया, अगर ये लोग बाहर खड़े थे तो उन्हें जाने को कहा जा सकता था, लेकिन उन्हें हिरासत में क्यों लिया गया। वो अगर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के अधिकारी हैं,
वो अभी तक सूत्रों के हवाले से बता रहे हैं कि ये लोग उनके आदमी नहीं है। तो आखिर में ये कौन लोग आदमी है, ये पूरी जांच के बाद ही पुलिस कमिश्नर अमूल्य कुमार पटनायक ने साफ तौर पर कहा कि जांच के बाद ही ये कंफर्म हो पाएगा कि ये लोग आईबी के लोग हैं या नहीं, लेकिन फिलहाल इन लोगों से ज्वाइंट इंटरोगेशन चल रहा है। ओम प्रकाश बहुत शुक्रिया, आप लगातार हमारे साथ बने रहे। तो दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने साफ तौर पर कह दिया है कि इस बात की पुष्टि नहीं है कि चारों लोग आईबी के हैं, और जिन्होंने इन चारों को पकड़ा है वो आलोक वर्मा के सुरक्षा में लगे पीएसओ थे। लेकिन जो हमारे संवाददाता वहां पर मौजूद है आलोक वर्मा के घर के बाहर, वो ये बता रहे हैं कि रात से ये गाड़ी यहां पर खड़ी हुई है और रात से इन लोगों पर कहा जा रहा है कि एक तरह से नजर ये आलोक वर्मा के घर पर रख रहे थे। ये बड़ी खबर, ये बड़ी हलचल, हर अपडेट, हर जानकारी सबसे पहले दिखेगी आपको एबीपी न्यूज पर। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, फौरन होंगे हाजिर। ये है एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे।